हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल कुक अनीसा में मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनीसा आप सभी को मेरे पूरे फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल ये रेसिपी लेके आई हूं जिसे फ्रूट क्रीम रेसिपी बोला जाता है बहुत ही टेस्टी बनता है ये और एनर्जी से भरपूर है जितना बनाना इसको आसान है उतना ही टेस्टी लगता है तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ फ्रूट्स तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक एप्पल बनाना और थोड़े से ग्रेप्स ले लिए हैं मैंने और इसी के साथ मैंने एक पोमोग्रेनेट ले लिया है और जो है आप इसकी जगह पे पपाया या फिर मैंगो ले सकते हैं लेकिन जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना वो आप बिल्कुल इसके लिए यूज ना करें जैसे कि पाइन एप्पल औरेंज अमरूद ये सब बिल्कुल यूज़ ना करें बहुत ही कड़वे हो जाते हैं वो तो यहाँ पे तब तक मैंने सारे फ्रूट को कट कर लिया है एकदम छोटे छोटे स्लाइसेस में और अनार को भी निकाल लिया है तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्रेश क्रीम आप इसकी जगह पे व्हिप्ड क्रीम भी यूज कर सकते हैं उससे इसका रिजल्ट और ज़्यादा बेटर आता है लेकिन जो क्रीम होता है ना फ्रेश क्रीम ये हर जगह अवेलेबल हो जाता है लेकिन विप्ड क्रीम हर जगह नहीं मिल पाता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम से ही आपको बना के दिखाया है और इसको हमें अच्छी तरह से बीट कर लेना है तो या तो आप इसको हैंड विस्कर से कर ले या इलेक्ट्रिक बीटर से भी आप इसको कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है तो मेरे हाथ में चोट लगने की वजह से मैं यहाँ पे हैंड विस्कर से ही इसको कर रही हूँ तो इस तरह से हमें इसको एकदम स्मूथ कर लेना है और इसके बाद जो है इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे दही तो दो टेबल स्पून यहाँ पे मैं दही डाल रही हूँ तो दही जो है एकदम ठंडा और ताज़ा है बिल्कुल खट्टा दही आप ना लें इसके लिए एकदम ताज़ा सा दही ही लें और इसके साथ इसमें मैं डाल रही हूँ चार टेबल स्पून राबड़ी तो ये घर में बना हुआ ही राबड़ी है तो मैंने इसका वीडियो इसलिए नहीं डाला तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और इसको बनाना बहुत ही आसान है दूध को आप जला लीजिए हल्का आधा दूध जल जाएगा उसके बाद राबड़ी आपका रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने इसमें राबड़ी डाल दिया है और इसके साथ यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें एक टेबल स्पून हुई चीनी तो यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर डाला है आप इसके जगह पे कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं तो चीनी भी आप मात्रा अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे राबड़ी जो है वो भी मीठी होती है इसीलिए मैंने थोड़ा सा कम ही चीनी का यूज़ किया है तो इस सब के साथ अच्छे से हमें इसको फिर से विस्क कर लेना है ये देखिए एकदम स्मूद सा इसको हमें कर लेना है और फिर इसमें हम डाल देंगे जो हमने फ्रूट कट करके रखे थे तो थोड़े थोड़े फ्रूट मैं इसमें से बचा लूँगी ऊपर से डेकोरेट करने के लिए और सारे फ्रूट्स इसमें हम ऐड कर देंगे इस तरह से ये देखिए सारे फ्रूट मैंने कट करके इसमें डाल दिए हैं और इसको हमें किसी एसपैचूला से या फिर स्पून से अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेना है और ये देखिए इस तरह से आप मिक्स करेंगे तो पूरा जो आपका फ्रूट है ना उस पर इसका एक कोटिंग सा आ जाता है जो हमने क्रीम तैयार किया है इसका एकदम से कोटिंग आ जाएगा इस तरह से बहुत ही टेस्टी बन के ये रेडी होता है और एक बार आप रबड़ी बना के रख लीजिए तो इसको बनाना बहुत आसान है आप रबड़ी को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप फुल क्रीम जो मतलब विप्ड क्रीम होता है वो यूज कर रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं चलिए अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए आधा घंटा के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है तो अब मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ हमारा सर्विंग बोल तो इस तरह से मैंने ये वाला सर्विंग बोल लिया है आपके पास जो भी बॉल हो वो आप ले सकते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए कितना ज़्यादा थिक हो चुका है ये और फ्रिज में रखने से ये एकदम चिल्ड हो जाता है तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पे मैंने रख दिया है और इसमें हम सर्व कर लेंगे और आप क्या कर सकते हैं तो थोड़ा सा जो आइस क्यूब्स है उसको नीचे रख के दूसरे बॉल में और फिर ये बॉल रख के आप क्रीम को विफ्ट कीजिए तो बहुत ही आसानी से वो अच्छी तरह से हो जाता है तो यहाँ पे मैं इसको सर्व कर लेती हूँ तो यहाँ देखिए मैंने सर्व कर लिया है चार बॉल में और इसके ऊपर से हम थोड़े से अनार से इसको डेकोरेट करेंगे और आप देख सकते हैं देखने में ही ये कितना क्रीमी टेस्टी लग रहा है यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बना है मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आया है और इसके ऊपर से मैं डाल देती हूँ थोड़े से ग्रेप्स जिससे कि ये और लुक वाइज सुंदर लगे और यहाँ पे मैंने थोड़े से एप्पल के इस तरह से स्लाइसेस कट कर लिए थे जिससे कि ये जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही इसका लुक लगे रेस्टोरेंट वाले भी ऐसे ही सजा के देते हैं जिससे कि बच्चों को बहुत ही ये पसंद आता है और वो अट्रैक्ट होते हैं और ये नवरात्रों के लिए भी बहुत ही टेस्टी और एनर्जी से भरपूर ऑप्शन है एक बार आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो बहुत ही पसंद आने वाला है बार बार आप इसको जरूर बनाइएगा तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ किसी नए वीडियो में तब तक के लिए Thank you for watching my video Jai Mata Di